जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वंड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलेज पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है इज योर सक्सेस ब्लॉक और ये है वॉल्यूम 18। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये पर्पल स्टोन और एक है ये रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है क्या आपकी सक्सेस ब्लॉक है, क्या किसी ने आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रखा है या आप बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले हैं आने वाले समय में, जानते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, साथ में आया है द हर्मिट कार्ड, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, और फिर आया है द बर्निंग टावर। तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर आपको एक एडवाइस दे रही हैं और एडवाइस ये है कि आप ध्यान से चले आगे क्योंकि सीढ़ियों से गिर सकते हैं, अचानक से टावर में आग लग सकती है, अचानक से बिल्डिंग में आग लग सकती है। मतलब ये है कि अगर आपके करियर की बात करें तो यहाँ पर आपकी लड़ाई चल रही है ऑफिस में इस समय, हो सकता है आपके कलीग से, आपके मैनेजमेंट से आपकी किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। यहाँ पर दी हर्मिट कार्ड है, आप बहुत सोच समझ कर आगे स्टेप लेना चाहते हैं, आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जॉब पे, वर्क प्लेस में आप अच्छे से काम करें, आपकी जॉब अच्छे से रहे। लेकिन यहाँ पर बर्निंग टावर है जिसका मतलब है कि जो ये फाइट है ये डेफिनेटली आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देने वाली है। मतलब ये है कि आने वाले समय में आपकी जॉब पर प्रॉब्लम आ सकती है और आपको यहाँ से छोड़ना पड़ सकता है, आपको इस कंपनी को छोड़ना पड़ सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट बोल सकती है या फिर आप खुद ही इस कंपनी को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो कामयाबी है यहाँ ब्लॉक लग रही है क्योंकि आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये रिजॉल्व हो जाए, आप बहुत शांत होकर के इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बर्निंग टावर है। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, और ये जो एनर्जी है ये आपके बनते हुए काम यहाँ पर बिगाड़ रही है। बर्निंग टावर है तो मतलब आपकी जॉब पे यहाँ पर ट्रबल है और यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स से लड़ाइयाँ हो रही है लगातार। चाहे आप जितना ही ध्यान से कंपनी में काम करें, चाहे आप जितना ही अच्छे से सबसे बात करें, लेकिन बर्निंग टावर है, अचानक से ही आपको यहाँ पर कंपनी छोड़नी पड़ सकती है। कारण कुछ भी दे करके वो आपको वहाँ से जाने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको महसूस हो रहा है और आपकी कंपनी में सेम सिचुएशन हो रही है तो अभी से ही आप कहीं और जॉब ढूंढना शुरू कर दें, आप अप्लाई करें। अगर आपके बिजनेस में आपको लग रहा है कि कुछ नुकसान हो सकता है तो अभी से ही अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम कर दें, कुछ कुछ मेजर्स लेते रहें। जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो किसी भी चीज़ के ऊपर, उसका एक बैकअप बना लें, ये आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये रुद्राक्ष, क्या उनकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। फाइव ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्या आपकी सक्सेस ब्लॉक है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ कप्स तो है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है, पर आप दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। ऐसा लगता है आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिले हैं। हो सकता है कोई आपके फाइनेंसेस लेकर के गायब हो गया, किसी ने आपको बोला कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और आपने उसके भरोसे पे बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए लेकिन वो पर्सन बैकआउट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ धोखा हुआ है आपके साथ जिस वजह से आप बहुत दुखी हैं, यहाँ पर इमोशनली ड्रेन्ड हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आपको एडवाइस क्या है कि भाई यहाँ तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, हैप्पीनेस है, मतलब क्यों दुखी हो रहे हो। अगर आपकी कंपनी में नुकसान हुआ है तो यहाँ आने वाले समय में बहुत ही सुंदर भविष्य दिख रहा है। देखा जाए तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यानी कि आपको एक सक्सेसफुल करियर जो है वो आपका यहाँ पर वेट कर रहा है, लेकिन आप फाइव ऑफ कप्स पर यहाँ दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए क्योंकि आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है, यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने वाली है। जो भी आपको अभी नुकसान हुआ है, चाहे आपका कोई बिजनेस है जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, आपकी जॉब है जहाँ से आपको छोड़ना पड़ गया, तो कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो एकदम से चेंज है यहाँ पर आने वाले समय में। ज़्यादा समय नहीं जा सकता, 2 से 3 महीने में ही ये अंतर आपको दिखेगा। 2 से 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट है, नई जॉब आपका वेट कर रही है, जो आपका नया बिजनेस आप चाहते हैं वो आप शुरू करेंगे और कामयाब भी होंगे, सक्सेस भी है यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देखिए कितना अच्छा कार्ड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, तो बहुत
ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन आप दुखी हो पास्ट में जो वो उसको लेकर दुखी हो कि मेरा तो 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया, 2,00,000 का नुकसान हो गया। क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ देखिए 12 नंबर कार्ड है, 1,00,000 का नुकसान हुआ है तो यहाँ 12,00,000 लेकर के आ रहा है आपकी तरफ, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो सक्सेस का कार्ड है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप दुखी हैं इस समय, ये आपका एक साइकिल है, हो सकता है कि इस समय आप दुखी हैं, लेकिन अब ये जो अंधेरा है ख़त्म होने वाला है और एकदम उजाला आने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो बस अब आप फोकस करें, जो भी आप करना चाहते हैं कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। तो यही संदेश है आपके लिए, उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 999 666। जय श्री राम, जय भारत।